गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक लिटरेचर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा पेट में उन दर्द के बारे में जो मेल पेशेंट्स में होते हैं, नाभि के नीचे के एरिया में होते हैं, जिसे हाइपोगेस्ट्रियम कहते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए या साइंटिफिक उसके हिसाब से जो एब्डोमेन है उसको 9 भागों में डिवाइड करते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर एरिया, पेरी अम्बिलिकल एरिया एंड देन लेफ्ट लंबर एरिया, राइट इलियक फोसा और नाभि के नीचे के एरिया को कहते हैं हाइपोगेस्ट्रियम और लेफ्ट साइड इज द लेफ्ट इलियक फोसा। आज मैं बात करूंगा कि अगर मेल पेशेंट्स हैं और नाभि के नीचे के एग्जैक्टली नीचे दर्द हो रहा है जिसे हाइपोगेस्ट्रियम कहते हैं, तो वास्तव में व्हाट मे बी द रीजंस, ये क्या हो सकते हैं कारण। ये एरिया है, इसको ध्यान से देखिए। मेल पेशेंट्स में अगर इस एरिया में दर्द हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन क्या ऑर्गन्स हैं जो यहां पर रिप्रेजेंट होते हैं। अगर हम ऑर्गन्स को ध्यान से देखें तो जो रिप्रेजेंट होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इज द यूरिनरी ब्लैडर, यानी पेशाब की थैली। पेशाब की थैली के नीचे प्रोस्टेट की ग्लैंड और पेशाब की थैली से निकलने वाला यूरिन की ट्रैक्ट, ये तीन एरियाज हैं जो यहां रिप्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो बड़ी आंत का कुछ एरिया है वो यहां रिप्रेजेंट होता है, कभी कभी छोटी आंत का एरिया भी रिप्रेजेंट होता है, बट इट इज डोमिनेंटली दी आई मीन यूरिनरी ब्लैडर, द प्रोस्टेट। कभी कभी जो नीचे अंडकोश होते हैं, जो टेस्टिस हैं, उनका पेन भी ऊपर की तरफ आने लगता है, जिनके बारे में बात करूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले ये सिस्टाइटिस है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। जो सिस्टाइटिस है वास्तव में यूरिन का जो ब्लैडर है या यूरिनरी ब्लैडर है या पेशाब की जो थैली है, इसमें इंफेक्शन के लिए कहा जाता है। कोई भी कारण हो जिसके चलते यूरिन की थैली में इंफेक्शन हो, वो सिस्टाइटिस के नाम से जानी जाती है। जब भी सिस्टाइटिस होगी तो यूरिन के सिम्टम्स जरूर आएंगे, पेशाब रुक रुक के होगी, पेशाब में जलन होगी, पेशाब आपको बार बार जाना पड़ेगा, रात में उठ के बार बार जाना पड़ेगा। अगर सिस्टाइटिस है तो यूरिन में जलन के अलावा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ठंडी देके फीवर भी आए। तो जब भी यूरिन में इंफेक्शन होगा, सिस्टाइटिस डेवलप होगी, तो सिम्टम्स आएंगे एंड पेन भी इज ए प्रोमिनेंट फीचर। तो नाभि के नीचे की तरफ दर्द है तो सिस्टाइटिस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सेकंड वन द यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। ये जो ट्रैक्ट में इंफेक्शन है, ये यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, ये यूरिन के ट्रैक्ट में भी हो सकता है। जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होगा, वो कभी कभी सिर्फ इसी एरिया में दर्द लेके आता है जो नाभि से नीचे का एरिया है, तो यूरिन में जलन होगी, यूरिन रुक रुक के होगी, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो दर्द है पीछे कमर तक जाए। तो अगर इस एरिया में पेन है और यूरिन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वास्तव में यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इंफेक्शन है वो हमेशा क्वेश्चन में खड़ा हो जाता है, इवन इन मेल पेशेंट्स। अगर हम ध्यान से देखें, नंबर 3 पर आता है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते पेशाब की जो थैली है इससे बाहर जाने वाला जो रास्ता है उसमें ब्लॉक हो रहा है, जिसके चलते यूरिन प्रॉपरली निकल नहीं पा रही है, तो यूरिन नहीं निकल पाएगी तो जो यूरिन की जो थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो गुब्बारा जैसा फूल जाएगी। अगर गुब्बारा जैसा फूल जाएगी तो अनबियरेबल पेन होगा, यहां पर एक गांठ जैसी महसूस होने लगेगी नाभि के नीचे, और इसके अलावा यूरिन उतरेगी नहीं, या उतरेगी तो पेशाब बूंद बूंद करके उतरेगी, यानी आपको लगातार ऐसा लगेगा यूरिन लगी है लेकिन यूरिन नहीं उतर रही है। जहां तक यूरिनरी रिटेंशन का सवाल है, इट्स एन इमरजेंसी। ये उस तरह की इमरजेंसी है कि तुरंत हॉस्पिटल मांगती है। जो यूरिन की इस तरह की जो रुकावट है वो वास्तव में बढ़ती हुई एज के साथ प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम उनके साथ इट्स क्वाइट कॉमन। बट इवन इन यंगर पीपल अगर यूरिथ्रा में कोई प्रॉब्लम है या यूरिन के पैसेज में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो सिकुड़ापन हो, चाहे कोई वेब बन गया हो, तो यूरिन का जो रिटेंशन है इट्स अ प्रॉब्लम जो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भेज देती है। नंबर 4 इज द अपेंडिसाइटिस। मैंने पहले भी कहा कि जो अपेंडिक्स का अटैक है वो डोमिनेंटली दाईं तरफ आएगा, राइट इलियक फोसा में, लेकिन कभी कभी अपेंडिसाइटिस का अटैक डोमिनेंटली हाइपोगेस्ट्रियम या नाभि के नीचे महसूस होने लगता है। अगर अपेंडिसाइटिस का अटैक इस एरिया में आएगा तो इसके साथ पेट में दर्द होगा, दर्द के अलावा वॉमिटिंग होगी, ठंडी देके फीवर आएगा, कभी कभार यूरिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है अगर अपेंडिसाइटिस का अटैक हाइपोगेस्ट्रियम के एरिया में आया तो, क्योंकि अपेंडिक्स में अगर इन्फ्लेमेशन है तो इसके चलते पेशाब की थैली भी इरिटेट होने लगती है, तो कभी यूरिन के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो अपेंडिसाइटिस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अगर नाभि के नीचे भी दर्द आया है तो। Now the next one is the inflammatory bowel disease. जब inflammatory bowel disease की बात करते हैं तो these are two.
नंबर वन इज द क्रॉन्स डिजीज एंड द सेकंड वन इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो बड़ी आंत का कुछ एरिया है जो नाभि के नीचे से होकर निकलता है, पर्टिकुलरली द सिग्मॉइड कोलन, अगर इस एरिया में अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज है तो आंत में छोटे छोटे छाले उतर जाते हैं। अगर छाले उतरेंगे तो रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होगा, कॉन्स्टेंट पेन भी हो सकता है। इसके अलावा लेटरिन की संख्या बढ़ जाती है, दिन भर में आपको 8 बार 10 बार लेटरिन जाना पड़ता है, रात में उठ के भी जाना पड़ता है। लेटरिन जाने के पहले जोर से मरोड़ा आता है, इन मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेटरिन आप जाते हैं उसमें ब्लड भी दिखाई देता है। तो अगर ये दर्द है, रुक रुक के मरोड़े आ रहे हैं, बार बार लेटरिन जाना पड़ रहा है और उसमें ब्लड भी दिखाई दे रहा है, तो ये जो पेन है वास्तव में सिग्मॉइड कोलन से आ रहा है या बड़ी आंत से आ रहा है। इन जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, दैट्स ए पॉसिबिलिटी जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज द टेस्टिकुलर पेन। जैसे मैंने कहा कि अंडकोश के बहुत से जो दर्द हैं या टेस्टिस के जो पेन है वो कभी कभी नाभि के नीचे आने लगते हैं, जो टेस्टिकुलर पेन है वो नीचे की तरफ महसूस होगा। एंड टेस्टिकुलर पेन एक्चुअली आर वेरी सीवियर पेन। वो बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते टेस्टिकुलर पेन आते हैं, चाहे वो टेस्टिस का टॉर्शन हो, चाहे टेस्टिस में कोई इंफेक्शन हो, जैसे जो ना फाइलेरिया का इंफेक्शन हो या कोई वायरस के चलते कोई प्रॉब्लम हो, बट कोई भी कारण हो, टेस्टिस का जो पेन है वो नाभि के नीचे आने की ताकत रखता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रोस्टेटिक पेन। जो प्रोस्टेट है वास्तव में पेशाब की थैली के नीचे एक छोटी साइज की ग्लैंड होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये जो प्रोस्टेट की साइज है हमेशा बढ़ती चली जाती है, जिसे कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। जब भी ये प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है तो वास्तव में ये हल्का सा पैसेज को कॉम्प्रोमाइज करती है, तो यूरिन करने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी जो प्रोस्टेट है उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। ये एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है, ये क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है। जो प्रोस्टेट के जो पेन है वो नाभि के नीचे महसूस होते हैं, कमर में महसूस होते हैं, इन इसके साथ हमेशा एक यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है वो जरूर आना शुरू हो जाती है। तो अगर यूरिन में भी प्रॉब्लम हो रही है, कंटिन्यूअसली पेन भी है, इन यूरिन का फ्लो प्रॉब्लम में आ रहा है और एज एडवांसिंग है, तो प्रोस्टेट को हमेशा क्वेश्चन में रखा जाता है, बिकॉज प्रोस्टेटिक पेन्स इन मेल पेशेंट्स आर क्वाइट कॉमन। Now the next one are the cancers or tumors. अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्यूमर्स हैं इन मेल पेशेंट्स, दे आर क्वाइट कॉमन। अगर हम ध्यान से देखें कहां कहां एरियाज हैं जहां ट्यूमर हो सकते हैं, नंबर वन इज द प्रोस्टेट। जो कैंसर प्रोस्टेट है इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। देन सेकंड वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। जो पेशाब की थैली है उसमें कोई भी ट्यूमर होगा तो इस एरिया में पेन आएगा। एंड द थर्ड वन इज द टेस्टिकुलर ट्यूमर, जिसका पेन रेडिएट होकर इस एरिया में आ जाता है। तो अगर नाभि के नीचे दर्द है, उसके साथ अगर कुछ गांठ जैसी भी महसूस हो रही है, तो वास्तव में प्रोस्टेटिक ट्यूमर, यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर एंड टेस्टिकुलर ट्यूमर, ये तीनों के तीनों जो ट्यूमर हैं ये क्वेश्चन में आते हैं, और एक रेडी अल्ट्रासाउंड इसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्रामा। कोई भी चोट लग जाए नाभि के नीचे की तरफ, जैसे आप साइकिल जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट हो जाए तो साइकिल का हैंडल टकरा जाता है, तो जो ट्रामा है इससे कभी कभी दर्द आने लगता है। जो ट्रामेटिक इंजरी है वो यूरिनरी ब्लैडर को कर सकती है, डैमेज ये यूरिथ्रा को डैमेज कर सकती है। कभी कभी जो ट्रामा है वो सेक्सुअल एक्ट से भी आ जाता है, उस ट्रामा के चलते भी काफी पेन तैयार हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई दर्द है और कोई इस तरह का हिस्ट्री है अपने ट्रामा, चाहे वो एक्सीडेंट के चलते हो या सेक्सुअल एक्सपोजर के चलते ट्रॉमा हुआ हो, तो इस एंगल को भी ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो मेल पेशेंट्स हैं, उन मेल पेशेंट्स में जो नाभि के नीचे दर्द होता है, जो रिप्रेजेंटेड ऑर्गन्स हैं इस एरिया में, वो पेशाब की थैली है या यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट है या उसके नीचे जो ना यूरिन के ट्रैक्ट है, कभी कभी टेस्टिस से रिलेटेड पेन इस एरिया में आ जाते हैं। इसके अलावा जो पेन है वो बड़ी आंत से इस एरिया में आ सकते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि अपेंडिक्स का पेन इस एरिया में आ जाता है। बट दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स जो अपनी डिजीज लेके इस तरह का जो पेन है वो इस एरिया में लेके आते हैं। अगर आप समझते हैं कि नाभि के नीचे जो दर्द है मेल पेशेंट्स में, उनको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।